हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम DSSB TGT हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन टू, अ ई उ। अगला प्रश्न, कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण नहीं है वर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन टू, ब प म। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही उत्तर है वदोपरांत। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा? सही उत्तर है कर्त्री। वह खाना बना रही है वाक्य का काल है? सही उत्तर है अपूर्ण वर्तमान। व्यंजन संधि का शब्द है? सही उत्तर है जगदीश। तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? सही उत्तर है गृहागत। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए? सही उत्तर है कोयल। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए? सही उत्तर है अश्रु। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही उत्तर है शैलजा। जो वाणी दवार व्यक्त ना किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? सही उत्तर है अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न, अनुराग शब्द का विलोम होता है? सही उत्तर है विराग। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए? सही उत्तर है ग्रामीण। वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है वाक्य में क्रिया विशेषण पद है? सही उत्तर है धीरे धीरे। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा है? सही उत्तर है आंखों का तारा होना। तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज़्यादा, इस भाव को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है? सही उत्तर है तू डाल डाल मैं पात पात। अनपढ़ शब्द में उस उपसर्ग लगा है? सही उत्तर है अन। डिबिया शब्द में प्रत्यय लगा है? सही उत्तर है इया। मेरे को आज ही दिल्ली जाना है, वाक्य में अशुद्ध पद है? सही उत्तर है मेरे को। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए? सही उत्तर है मटर। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे? सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। रानी केतकी की कहानी के लेखक थे? सही उत्तर है इंसा अल्लाह खां। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सही उत्तर है सदल मिश्र। उदंत मार्तन नामक हिंदी पत्र किसने निकाला? सही उत्तर है पंडित जुगल किशोर। प्रजाहितैषी नामक पत्र कौन निकालता था? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। आनंद कादंबनी पत्र के संपादक थे? सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी। परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? ईस्वी। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक थे? सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? सही उत्तर है देहाती दुनिया। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन फोर, बाणभट्ट की आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन। कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? सही उत्तर है अजय की डायरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी।
सचेतन कहानी के पुरोधा हैं? सही उत्तर है महीप सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन वन। अगला प्रश्न, नहुष नाटक के रचनाकार हैं? सही उत्तर है गोपाल चंद्र। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? सही उत्तर है भारत दुर्दशा। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? सही उत्तर है हानुष। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है आठवां सर्ग। कारवां एकांकी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है भुवनेश्वर प्रसाद। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? सही उत्तर है यात्रा वृतांत। देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है कृष्णा सोबती। बनासी दास कृत अर्धकथा है? सही उत्तर है आत्मकथा। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? सही उत्तर है वीरगाथा काल। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। खुमान रासो के रचयिता कौन है? सही उत्तर है दलपति विजय। हिंदी काव्य में बारह मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? सही उत्तर है बिजलदेव रासो। वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? सही उत्तर है पुष्टि संप्रदाय। नामदेव का संबंध किस प्रांत से था? सही उत्तर है महाराष्ट्र। दादूदयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधु नाम से किसने किया? सही उत्तर है रज्जब। चंदायन के रचयिता हैं? सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। जायसी की रचना नहीं है? सही उत्तर है मृगावत। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी। कवितावली के ग्रंथकार कौन हैं? सही उत्तर तुलसीदास। संतन को कहा सिकरी सो काम किसने कहा था? सही उत्तर है कुंभनदास। भक्तिमाल के किस कवि ने बरवय नायिका भेद लिखा है? सही उत्तर है रहीम। कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? सही उत्तर है सुंदरदास। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? सही उत्तर है मीराबाई। रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे?
सही उत्तर है भूषण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई पंक्ति के रचयिता हैं। सही उत्तर है बिहारी। कौन सा रचना भूषण की नहीं है? सही उत्तर है काव्य रसायन। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार पंक्ति के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रसलीन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है कोकसार आलम। अगला प्रश्न, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर है वैदेही वनवास। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? सही उत्तर है प्रेम पथिक। अगला प्रश्न, बीती विभागरी जागरी किसकी कविता है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? सही उत्तर है बेला। हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचना है? सही उत्तर है अज्ञेय। हुंकार किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक के संपादक कौन थे? सही उत्तर है अज्ञेय। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 1959। सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? सही उत्तर है धूमिल। विद्यापति कृतिलता की भाषा है? सही उत्तर है अवहट। अवधी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? सही उत्तर है गढ़वाली। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम अवैज्ञानिक है। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य है? सही उत्तर है न। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुकूल। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? सही उत्तर है पांच। नौका का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है टटनी। कृतज्ञ का विलोम है? सही उत्तर है कृतघ्न। अक्ष का अर्थ नहीं होता है? सही उत्तर है पृथ्वी। चीर चीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है पुराना कपड़ा। वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? सही उत्तर है लंबा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
सही उत्तर है 3। तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है? सही उत्तर है प्रश्नवाचक। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? सही उत्तर है यमक। सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है उपमा। मुख्यार्थ के बाधित होने पर जब उससे संबंध दूसरा अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति क्या होती है? सही उत्तर है लक्षणा। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है बहुत शर्मिंदा होना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ है? सही उत्तर है अपने लोगों में आदर नहीं होता। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए? सही उत्तर है 351। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं? सही उत्तर है कौटिल्य। कश्मीर की ग्रंथ राशि को प्रकाशित करने का प्रयास किसने किया? सही उत्तर है मुकुंद राम शास्त्री। वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर किसने ध्यान आकृष्ट किया? सही उत्तर है श्रीधर। तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार किसने किया? सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? सही उत्तर है नवीन जागरण।